दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार अलका किचन में फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल के स्टफ्ड कटलेट। मूंग की दाल के से आप गुलगुले भी कह सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, जब आप इसे बना के खाएंगे तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए के स्टफ्ड कटलेट बनाने के लिए मैंने 2 मुट्ठी मूंग की दाल ली है, 1 बड़ा आलू लिया है, धनिया थोड़ा सा, गाजर जिसको मैंने छील लिया है, 1 प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक लिया है, और साथ ही में ये मटर लिए जिनको मैंने छील लिया है। मूंग की दाल को मैंने भिगो दिया था 2 घंटे पहले, इसलिए ये फूल गई है। अब मैं मूंग की दाल को पीसूंगी, आलू को छीलकर और गाजर को छीलकर ग्रेट करूंगी, और प्याज, धनिया पत्ती और हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट लूंगी, और अदरक को भी मैं ग्रेट कर लूंगी। और इसकी पिट्ठी बनाने के लिए जो अंदर मैं फिलिंग भरूंगी, उसके लिए मटर को मैं स्टीम दिला के पीस लूंगी। मूंग की दाल को गाढ़ा गाढ़ा पीस लिया है मैंने, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। आप देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। और आलू को ग्रेट करके पानी में से निचोड़ लिया है ताकि इसमें का स्टार्च बिल्कुल निकल जाए। ज़ोर से निचोड़ा है इसको ताकि इसमें बिल्कुल पानी ना रहे। और ये गाजर को भी कद्दूकस कर लिया है, प्याज और मिर्च को बारीक बारीक आप देख रहे हैं काट लिया है, और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा धनिया मैंने चटनी बनाने के लिए रख लिया है, और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा अदरक जो इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे उसके लिए मैंने ये बारीक बारीक काट लिया है। अब मैं जो हूँ स्टीम करने के लिए मैंने गैस पर जो है उसको मटर को रख दिया है ताकि वो स्टीम हो जाए। देखिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है और ये धीमी आंच पे है, और इनके अंदर जो ये मटर हैं इनको ढक करके मैं स्टीम करने के लिए रख दिया। पानी बहुत ही कम लिया है क्योंकि मटर भी बहुत कम है। जब ये स्टीम हो जाएंगे तब मैं इनको मैश करूंगी, और गाजर, हरी धनिया जो कटी हुई है और ग्रेट किया हुआ अदरक जो है उसमें मिला करके मैश करके मसाले डाल के स्टफिंग बनाऊंगी, पिट्ठी बनाऊंगी जो कि मैं उसके पैटी के अंदर भरूंगी। दाल पीसी थी उसके अंदर मैंने कद्दूकस किए हुए आलूओं को मिला दिया है। देखिए ये मिला दिया है। अब इसमें मैं नमक स्वादानुसार, मिर्च और धनिया पाउडर मिलाऊंगी, और जो फिलिंग है इसके अंदर भरूंगी। अब उबल गए हैं, अब इसके अंदर मैं ये ग्रेट की हुई गाजर डाल दूंगी, ये प्याज और हरी मिर्ची, ये धनिया और अदरक इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला थोड़ा सा, अमचूर और थोड़ा सा चाट मसाला मिलाकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी, और इसे अच्छी तरह मैश करके इसकी पिट्ठी तैयार कर लूंगी। फिलिंग बनके तैयार हो गई है। इसमें मैंने नमक, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर और थोड़ा सा चाट मसाला मिक्स करके इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। साथ ही ये मेरे आलू और मूंग की दाल जो मैंने कद्दूकस किए थे, आलू और मूंग की दाल और नमक मिर्च स्वादानुसार जो डाला था, इसमें इसने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। देखिए छोड़ दिया, इस पानी को मैं निकाल लूँगी ताकि इसमें से पतलापन जो है वो निकल जाए। पानी निकल जाएगा तो ये गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा। तो बाहर मैं इसकी पैटी बना के इसके अंदर ये फिलिंग को भरूंगी। आलू और मूंग की दाल का जो मैंने बना के पेस्ट तैयार किया है इसके अंदर मैं 1 चम्मच अरारोट डाल रही हूँ, और इसको अब अच्छी तरह मिला लूँगी। कर दिया है और मेरा ये तेल गर्म हो रहा है। जब ये चलने लगेगा तो मतलब ये गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये जो मैं अपना कटलेट बनाने जा रही हूँ इसको बना करके इसके अंदर पिट्ठी भर के इसको इसमें डीप फ्राई करूँगी। देखिए मैंने इसके अंदर ये स्टफिंग रख दी है। अब मैं इसको रोल करके बंद करके इसको डीप फ्राई करूँगी। देखिए मैंने इसको कढ़ाई में तलने के लिए डाल दिया। अब ये तल रहे हैं, फिर मैं धीरे से इनको पलट लूँगी। ये कि ये कटलेट बिल्कुल तल गए हैं और अच्छे से ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब मैं इनको प्लेट में रख के और चटनी के साथ सर्व करूँगी। मेरी जो मूंग की दाल थी वो बहुत कम थी, मैंने मात्रा ली थी क्योंकि मुझे एक ही जने के लिए कटलेट बनाने थे, इसलिए मैंने जो है मूंग की दाल की मात्रा कम रखी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा लोगों के बनाने हैं तो उसी अनुपात में मूंग की दाल की मात्रा को और आलू की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये तल गए हैं, अब मैं इनको प्लेट में निकाल रही हूँ। टेस्टी कुरकुरे कटलेट जिनके अंदर स्टफिंग मटर की भरी हुई है और गाजर की, और ये रही हरी धनिया की चटनी। आपको लगी रहा होगा कि ये कितने टेस्टी हैं।
तो चलिए इसको खाते हैं। मैंने इनकी बाइंडिंग बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें अरारोट आधा चम्मच करीब, थोड़ा सा एक टेबल स्पून छोटा मान लीजिए मिक्स किया था, लेकिन आप चाहें तो बेसन की भी, अगर आप बेसन का टेस्ट चाहते हैं तो बेसन की भी बाइंडिंग इसमें डाल सकते हैं, लेकिन उससे मूंग की दाल का टेस्ट जो है थोड़ा कम हो जाएगा और आपको बेसन का टेस्ट भी आने लगेगा। मैंने एक कटलेट को बीच में से काट दिया है, देखिए आपको इसकी स्टफिंग दिख रही होगी, ये बहुत ही टेस्टी है और इसको हरे धनिए की चटनी के साथ आप एंजॉय कीजिए, साथ में चाय बना लीजिए, मेहमान भी खुश आप भी खुश। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, ये मूंग की दाल के स्टफ्ड कटलेट पसंद आए हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।